गोडाउन में डकैती डालकर उनमें रखे लाखों रुपए की कीमती सामानों की लूट करने वाले आरोपियों को गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में छापा मारकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से करीब 30 लाख रुपए के कीमती सामानों को बरामद कर लिया गया है। मुंबई के आसपास के शहरों में कई नामांकित कंपनियों में गोडाउन में है और इन गोडाउन को कई बार लूट का शिकार बनाए हैं कई डकैत गिरोह। ऐसे ही दो गिरोह के 12 लोगों को थाने पुलिस ने गुजरात और महाराष्ट्र के कई शहरों में छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों को नाम है गुजरात में रहने वाले महेश टक्कर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का प्रकाश चौधरी, महाराष्ट्र में रहने वाला अमित दड़ा, कुश गड़ा, जुल्फिकार शेख, चंद्रकांत छेड़ा, आसिफ शेख, मितेश राजभर, मोहम्मद अमीन शेख, विनोद कुमार जायसवाल, सुरेश केवट और शबान अली खान। इनके पास से करीब 30 लाख रुपयों के कीमती सामान को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी, थाने पुलिस ने धर दबोचा इन ग्रोहों को और किया पर्दाफाश। आइए डॉक्टर डीएस स्वामी, पुलिस उपायुक्त थाने शहर की एक रिपोर्ट। अगर पुलिस स्टेशन के एरिया में जहाँ पे बहुत सारे गोडाउन है और आजू बाजू के एरिया में गोडाउन है तो वो बेसिकली गोडाउन की घरफोड़ी करना ये इनका मोडस है और जो है वो शटर जो उसको लॉक तोड़ना और फिर शटर जो है उसको ये करके ये घरफोड़ी हमेशा करते हैं। इसमें टोटल 12 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं। अभी 5 आरोपी जो है एमसीआर में है, 6 आरोपी हमारी कस्टडी में है और बाकी 3 आरोपी इसमें फरार है। इसमें 2 रिसीवर है, एक सूरत का ठक्कर करके एक रिसीवर है और एक शाबान अली मुख्तार अली करके एक नवी मुंबई का रिसीवर है। ये दोनों को हमने अरेस्ट किए हैं। इसमें से जो ये व्हीकल यूज़ करते थे आयशर टेम्पो या और कोई टेम्पो कंपनी का तो वो टेम्पो भी हमने इसमें सीज कर लिया है क्योंकि इसमें जो है नंबर प्लेट पूरी बदलते थे और ड्राइवर जो है ड्राइवर इनका रहता था, वो आरोपी भी ड्राइवर इसमें है। अगर आप प्रेस नोट में देखेंगे तो 2 नंबर का जो एक आरोपी है वो जो है वो इसमें राजभर करके तो वो इसमें ड्राइवर का काम भी करता है, रेकी भी करता है और वो इसमें आरोपी भी है। तो इसमें बेसिकली जेरोक्स मशीन चुराना, इनका पहले भी रिकॉर्ड हुआ है कि उधर नालासोपारा में 40 टीवी वगैरह उन्होंने कुछ चुराया है। तो ये जेरोक्स टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है ये करने वाला पहला गैंग है। और दूसरा जो गैंग है ये गैंग जो भी कुछ माल मिलता है, लोखंडी पत्रे है, उसका पाइप्स है या फिर कोई अनाज वगैरह जो भी कुछ है जो जो गोडाउन में रहता है वो करने वाला ये दूसरा गैंग है। इसमें कुछ केमिकल जो है वो केमिकल का भी इन्होंने चोरी किया था, कंटेनर का चोरी, उसका लीक करना, चोरी करना, ये भी उनके ऊपर कुछ गुने कलमबुरी पुलिस स्टेशन, उरण पुलिस स्टेशन में ऐसे गुने हैं। तो बेसिकली ये जो गैंग है जहाँ जहाँ गोडाउन से वहाँ वहाँ पर ये काम करती है। तो ये इसमें रिकवरी भी हुआ है और 100% और ये आरोपी भी अरेस्ट हुए हैं। सर दोनों गैंग की तरफ से मतलब दोनों गैंग के पास से कितना माल रिकवर किया गया है? वही मैंने जो बोला है कि इसमें आप देखोगे तो एक अप्रोक्सीमेटली पूरा जो माल है 30 लाख का माल इसमें रिकवर हुआ है और अभी भी आगे कुछ इसका इंट्रोगेशन चालू है, आगे देखते हैं कि इसमें और कुछ ऑफेंस इसमें इन्वेस्टिगेशन में निकलते हैं। अभी तक ये लोग कितने गुना को अंजाम दे चुके हैं सर? 5 गुने इन्होंने कबूल किए हैं और 5 गुने का मुद्दे माल हमने रिकवर किया। सर ये जो आसिफ मितेश वगैरह जो है तो ये वहीं पर मतलब उत्तर शिव भंडारली परिसर में ही वहाँ रहते थे ऐसा बताया जाता है, तो ये क्या वहाँ गोडाउन में नौकरी वगैरह के बहाने रेकी करते थे क्या? नहीं, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में अभी ये है कि ये आसिफ है, मितेश है, ये पूरे रायगढ़ एरिया के रहने वाले हैं, कोई दानसर का पनवेल का रहने वाला है। तो ये रायगढ़ और आजूबाजू के एरिया में ये आसिफ जो है, आसिफ के ऊपर 2 गुने डायगर पुलिस स्टेशन में है। तो आजूबाजू में रह के चोरी करना और चोरी करके रेकी भी करना, ऐसे दोनों भी काम, ये कहीं काम करना गोडाउन में ऐसे काम करके भी ये लोग का मोडस जो है इसी प्रकार से ये गुना अपनी अंजाम देते गुने। से ये दूसरी गैंग की पीसी कब तक की है सर? ये 5 दिसंबर तक इनका पीसी है। 5 जनवरी तक इनका पीसी है। ओके।